उदाहरण 11, यदि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग 390 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम उदाहरण 11 का हल देखेंगे। इसमें प्रश्न में यह कहा गया है कि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग 390 है। तो सबसे पहले हम 13 का पहला गुणज यदि लें तो उसका कोई गुणज क्या होगा, 13x। 13 का अगला गुणज यदि हमें लेना है तो 13x में वह 13 इकाई अधिक होगा, यानी कि 13x धन 13। इसका अगला गुणज 13x धन 13 में फिर 13 इकाई अधिक, यानी कि 13x धन 26। इस प्रकार हमें 13 के जो 3 लगातार गुणज हैं वो ये ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा और इस प्रकार में ले लें तो मिलेगा 13, यहाँ देखिए दूसरे पद में 13 जो है वो उभयनिष्ठ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणित एक्स धन 1। इस पद में देखेंगे फिर 13 उभयनिष्ठ निकल सकता है और हमें मिलेगा 13 गुणित एक्स धन 2। इसके बाद प्रश्नानुसार हमारे पास एक संबंध है कि इन तीनों गुणजों का जो योग है वो कितना है, 390। तो चलिए हम इन तीनों गुणजों को, 13 के जो गुणज दिए गए हैं इनको जोड़ लेते हैं और इससे हमें मिलेगा कितना, 390 प्रश्नानुसार। अब इसे पुनः हल करें तो आप देखेंगे कि हमें कोष्टकों को इसको खोलना होगा। 13x धन 13 दूनी कितना हो गया, 26, और यहाँ मिल गया 390। यदि हमें x का मान मिल जाए तो हम 13 के इन गुणजों को ढूंढ सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए समान पदों को हमको जोड़ना होगा, तो 13x कितनी बार है हमारे पास, 1, 2 और 3 बार, यानी कि ये हो गया कुल 39x, और ये 13 और ये 26 इसको जब जोड़ेंगे तो फिर से हमको मिलेगा 39 बराबर में है 390। चलिए आगे हल करते हैं। जो पिछला पद हमें वो मिला था वह है 39x धन 39 बराबर 390। इसे हल करने के लिए हम अगले पद में लिखेंगे, ये जो 39 है इसका पक्षांतर हो जाएगा और हमको मिलेगा 390 ऋण 39, यानी कि इसे जब हम हल करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 351। अब x के मान के लिए हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 351 बटे 39। पहले 3 से इसे सरल कर लें तो हमें मिलेगा यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब आप देखिए ये 13 के पहाड़े से सीधा सीधा कट रहा है, 13 एकम 13, 13 निया 117, यानी x का मान मिल गया हमको 9। तो x बराबर 9 हमें प्राप्त हुआ है। इसकी सहायता से अब हम 13 के तीनों जो गुणज हैं लगातार गुणज उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ था x का मान 9 और 13 के जो 3 लगातार गुणज हमने लिए हैं वो है 13x, 13 गुणित x धन 1 और 13 गुणित x धन 2। तो x का मान रख के हम इन तीनों को निकाल लेते हैं, 13 गुणित 9, यानी कि हमें यहाँ पर कितना मिलेगा जब हम पहला गुणज निकाल रहे हैं तो 13 निया 117। दूसरा गुणज जब हम निकालेंगे तो 13 गुणित x धन 1, इसका मतलब हुआ 13 गुणित 9 धन 1, यानी कि 13 गुणित 10, और इसका मान हो गया आपका 130। तीसरा गुणज जब हम निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा, 13 गुणित x धन 2, यानी 13 गुणित आपका हो गया 9 धन 2, इसका मतलब 13 गुणित 11, और ये हो गया आपका 143। यानी कि 3 लगातार गुणज जिनका जोड़ 390 है वो होंगे, पहला हो गया 117, दूसरा हुआ 130 और तीसरा हुआ 143। तो हमें यही अभीष्ट हल प्राप्त हुआ।